दोस्तों मैंने इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा सर्च किया और बहुत सारे स्मार्टफोन में से 20 स्मार्टफोन का एक लिस्ट बनाया और उस लिस्ट को मैंने शॉर्ट लिस्ट करके 10 स्मार्टफोन्स को ही रखा है जो कि बहुत ही बढ़िया फीचर एंड पिक्स है 5000 के अंदर। तो अगर आप 5000 के अंदर बहुत ही बढ़िया फ़ोन चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और इनमें से जो भी आपको पसंद आए वो खरीद लेना मार्केट से, बहुत ही बढ़िया होगा 5000 के अंदर, क्योंकि इंटरनेट का बेस्ट रिजल्ट इस वीडियो के अंदर मैं एक साथ निचोड़ देने वाला हूँ। तो उस एक डिस्क्लेमर भी दे दूं कि एक स्मार्टफोन का प्राइस किसी एक जगह पर 5000 के अंदर ही है और बाकी जगह पर ज़्यादा है, जैसे कि मान लीजिए अमेज़न पर 5000 के आसपास है, तो फ्लिपकार्ट, पेटीएम मॉल, टाटा क्लिक, ऐसे दूसरे जो और भी ट्रस्टेड और बड़े बड़े जो ई कॉमर्स वेबसाइट है वहाँ पर ज़्यादा है, कहीं फ्लिपकार्ट 5000 के नीचे है तो बाकी जगह पर ज़्यादा है। इस तरह से अलग अलग जगह पर अलग अलग प्राइस है, तो जहाँ पर आपको 5000 के अंदर ही मिले फ़ोन वहीं से ही ख़रीदना, बहुत बढ़िया ये ई कॉमर्स वेबसाइट है, जैसे कि पेटीएम मॉल, टाटा क्लिक, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, यहीं से ख़रीद लेना तो बहुत ही बढ़िया होगा। और मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो में से कौन सा स्मार्टफोन आप लेने वाले हो वो भी कमेंट करके बता देना। तो वीडियो को शुरू करते हैं पहले नंबर स्मार्टफोन से। तो फ्रेंड्स, मैंने जितने सारे फोन्स का शॉर्ट लिस्ट बनाया है उन सभी स्मार्टफोन्स का नेम के साथ फीचर एंड स्पेसिफिकेशन डिटेल में लिख लिया है इस जगह पर, तो यहाँ से मैं आप लोगों को देख के आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा और साइड स्क्रीन में भी दे दूँगा, आप लोग देख लेना। तो नंबर एक पे आते हैं सैमसंग गैलेक्सी M01 कोर, और इसका दो अलग अलग जगह पे दो अलग अलग प्राइस था, किसी जगह पर 5400 का प्राइस था, किसी जगह पर 5200 का प्राइस था। हालांकि ये 5000 का ऊपर है लेकिन ज़्यादा ऊपर नहीं है, इसलिए इसको भी मैंने 5000 के नीचे वाले कैटेगरी में डाल दिया है, क्योंकि अगर आप थोड़ा पैसा और ज़्यादा इन्वेस्ट कर दोगे तो बहुत ही बढ़िया फ़ोन आपको मिल जाएगा 5000 के आसपास ही। तो इसके अंदर आप लोगों को 1GB रैम, 16GB स्टोरेज मिलता है, मीडिया टेक का MT6739 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर, मतलब 8 कोर वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है, 8MP का रियर कैमरा, 5MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है, 5.3 इंचेस का बढ़िया डिस्प्ले भी देखने को मिल जाता है और 3000 mAh का बैटरी भी मिल जाता है। तो दूसरे नंबर पर आते हैं iCall K201 और इसका प्राइस है 4750 रुपया, लेकिन ये हमेशा अवेलेबल नहीं रहता है, लेकिन फ़ोन बहुत ज़्यादा बढ़िया है, 2GB रैम और 16GB स्टोरेज, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, लेकिन कंपनी वाले ने कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि ऑक्टा कोर है तो किस कंपनी का प्रोसेसर है, मीडियाटेक है, स्नैपड्रैगन है, स्पीड रैम है, कौन सी इस टाइप का प्रोसेसर है वो मेंशन नहीं किया है, बस ऑक्टा कोर मतलब 8 4 कोर वाला प्रोसेसर है तो वही मेंशन की गई है, और इसमें भी 8MP का रियर कैमरा, 5MP का फ्रंट कैमरा, 6.2 इंचेस का बड़ा डिस्प्ले और 3000 mAh का बैटरी मिलता है। मतलब जो जिन लोगों को 5000 के नीचे फ़ोन लेना है और बहुत बड़ा डिस्प्ले चाहिए वीडियोस देखने के लिए तो ये फ़ोन आप ले सकते हैं। और नंबर तीन पे आते हैं लावा जेड या फिर Z41, इसका प्राइस है 4199 रुपीस, मतलब 4200। इसमें 1GB रैम, 16GB स्टोरेज और यूनिसॉक का प्रोसेसर मिलता है, ऑक्टा कोर है या फिर क्वाड कोर है, ड्यूअल कोर है, सिंगल कोर है, हेक्सा कोर है, कुछ भी इन्होंने मेंशन नहीं किया है। और इसमें जो कैमरा मिलता है, कैमरा की जो मेगापिक्सल काउंट है वो थोड़ा कम है, 5MP का रियर कैमरा, 2MP का फ्रंट कैमरा मतलब सेल्फी कैमरा और 5 इंच का डिस्प्ले, 2500 mAh का बैटरी। मतलब जिन लोगों को 4000 के ऊपर ही पैसा है, 4200-100 रुपया है, वो लोग ये फ़ोन ले सकते हैं, बढ़िया फ़ोन है प्राइस के हिसाब से, लेकिन अगर आपके पास 5000 है तो इससे भी बढ़िया आप कुछ भी ले सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं आसूस जेनफोन लाइट L1 और इसका प्राइस है बिल्कुल 5000 रुपया, 4999 रुपीज़, और इसका रैम स्टोरेज वेरिएंट है 2GB रैम, 16GB स्टोरेज, स्नैपड्रैगन 430 का प्रोसेसर है, जो कि 8-10 हज़ार की फ़ोन में इस टाइप का पूरा प्रोसेसर मिलता है। मतलब ये फ़ोन बहुत ही फास्ट काम करने वाला फ़ोन होगा, जितने सारे लिस्ट मैंने बनाया है सभी को ही देखा है और इसका प्रोसेसर सबसे बढ़िया है। मतलब इस फ़ोन को लेके आप कुछ भी कर सकते हो 5000 के फ़ोन को यूज़ करके। और इसमें जो कैमरा दी गई है वो भी बहुत ही ज़्यादा है, 13MP का रियर कैमरा, मेन रियर कैमरा, और 5MP का सेल्फी फ्रंट कैमरा, और 5.4 इंचेस का डिस्प्ले है, 3000 mAh का बैटरी है, तो
कुल मिलाकर सारी चीज़ देखा जाए तो मेरे हिसाब से यही फ़ोन शायद बढ़िया अभी तक लग रहा है। और आपको कौन सा लगा कमेंट कीजिए, और आगे आने वाले फ़ोन्स में भी कौन सा लगता है वो भी कमेंट कीजिए। तो नेक्स्ट फ़ोन है Redmi Go, और Redmi Go का बहुत सारे अलग अलग वेरियंट है, जैसे कि यहाँ पर है 2GB का, 1GB के साथ 8GB स्टोरेज है, 1GB रैम 8GB स्टोरेज। इसका प्राइस है 4,500 रुपया। तो कुछ है 2GB और 16GB स्टोरेज जिसका प्राइस और ज़्यादा है, जो कि 6,000 की कैटेगरी में आते हैं। और इसमें रैम स्टोरेज तो मैंने बता दिया है, तो प्रोसेसर स्नैपड्रैगन का क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 425 का प्रोसेसर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। 8MB का 8MB 5 and 3/8MB का रियर कैमरा, 5MB का फ्रंट कैमरा, और 5 इंचेस का डिस्प्ले, 3000mAh का बैटरी। मतलब कुल मिला के ये फ़ोन भी बहुत ही बढ़िया है, लेकिन 1GB रैम है, तो ये भी देखने के लायक है कि क्योंकि Redmi का फ़ोन है ऑलरेडी बहुत सारे ऐप्स इंस्टॉल्ड होगा, तो कुछ रैम तो ऑलरेडी हो घिर लिया है। और आप कितने सारे एप्लीकेशन यूज़ करते हैं वो भी डिपेंड करता है कि ये फ़ोन आपके लिए अच्छा होगा या फिर नहीं होगा, तो ये आप सोच के देखिए। और नेक्स्ट फ़ोन है Lava Z1 या फिर Lava Z1। इसका प्राइस ज़्यादा है, 5,000 के नीचे तो बिल्कुल ही नहीं है, 6,000 के नीचे वाले वेरियंट में आते हैं, फिर भी मैंने डाल दिया है क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया फ़ोन है। इस टाइम पे अगर आप 500 रुपया और ज़्यादा, मतलब 5,500 प्राइस है इसका, तो 500 रुपया और ज़्यादा इन्वेस्ट कर दोगे तो आपको मतलब फ्यूचर में कुछ मतलब आने वाले टाइम पे बहुत जल्दी फ़ोन को चेंज नहीं करना पड़ेगा। इस हिसाब से मैंने इसको भी डाल दिया है। इसमें 2GB रैम और 16GB स्टोरेज, MediaTek का Helio A20 का प्रोसेसर मिलता है, जो कि लेटेस्ट प्रोसेसर है बाकी के मुकाबले, और 5MP का रियर कैमरा, 5MP का फ्रंट कैमरा, 5 इंचेस का डिस्प्ले, 3000mAh का बैटरी मिलता है। कुल मिला के एवरेज है, लेकिन प्रोसेसर की वजह से प्राइस ज़्यादा रखे गए हैं ताकि जल्दी फ़ोन चेंज ना करना पड़े। प्रोसेसर अच्छा होता है तो फ़ोन ज़्यादा दिन तक चलता है, यही फ़ोन का जो कंडीशन होता है यही होता है। फ़ोन अगर प्रोसेसर अच्छा नहीं होगा तो हर चीज़ प्रोसेस करने में देर लगाएगा, ज़्यादा ताकत लगाएगा, तो हर चीज़ जो जल्दी कमज़ोर हो जाते हैं। प्रोसेसर बढ़िया होता है तो जल्दी कमज़ोर नहीं होता है, ज़्यादा टाइम तक चलता है। और नेक्स्ट फ़ोन है Lava Z60S या फिर Z60S। इसका प्राइस है 4,800 और 1GB रैम, 16GB स्टोरेज, क्वाड कोर प्रोसेसर, मतलब 4 कोर वाला प्रोसेसर है, 5MB का रियर कैमरा, 5MB का फ्रंट कैमरा, 5 इंचेस का डिस्प्ले, 2500mAh का बैटरी है। लेकिन 1GB रैम होने के बावजूद स्टॉक एंड्रॉयड है, तो इसमें कोई भी ब्लोटवेयर देखने को नहीं मिलेगा, जैसे कि Redmi, Poco, Oppo इस टाइप के फ़ोन में मिलता है, चाइनीज़ फ़ोन में मिलता है, उस टाइप का नहीं होगा। तो उसमें जो भी एंड्रॉयड सिस्टम में एप्लीकेशन आते हैं वही होगा, और बाकी फ़ोन क्लियर होगा। तो ज़्यादा रैम अगर यूज़ कर पाओगे 1GB होने के बावजूद, तो ये भी अच्छा डील हो सकता है। और नेक्स्ट फ़ोन है Meizu C9। ये 4000 के नीचे कैटेगरी में आते हैं, लेकिन 4000 के नीचे वाले कैटेगरी में मैंने वीडियोस नहीं बनाए हैं, तो इसको भी डाल दिया है क्योंकि ये फ़ोन बढ़िया है, और जिसका पैसा मतलब ज़्यादा पैसा नहीं है फ़ोन ख़रीदने के लिए तो ये ले सकते हैं 4,849 रुपीज़, मतलब 3,849 रुपीज़ का प्राइस है। इसमें भी 2GB का रैम, 16GB का स्टोरेज है, सोचने लायक बात है, और Snapdragon का प्रोसेसर है, नए टाइप का प्रोसेसर है, मतलब पुराना प्रोसेसर है लेकिन इस टाइप का प्रोसेसर बाकी फ़ोन में हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है, और 13MP का रियर कैमरा और 8MP का फ्रंट कैमरा। आप सोच के देखिए 3800 है फ़ोन में, इतना अच्छा खासा रैम स्टोरेज, अच्छा खासा कैमरा भी मिल रहा है, 5.4 इंचेस का डिस्प्ले है, 30,000mAh का बैटरी है। तो प्राइस के हिसाब से ये फ़ोन लिस्ट में शायद बेस्ट होगा। आपको बेस्ट लगता है नहीं लगता है कमेंट कीजिए। और नेक्स्ट फ़ोन के बारे में बात करें तो ये है USYUACE, क्या प्रोनाउंस होता है मुझे ठीक से प्रोनाउंस शायद नहीं हो रहा है मुझसे, तो इसका प्राइस 5,000 है, बिल्कुल एकदम 5,000। 2GB रैम, 16GB स्टोरेज, MediaTek का प्रोसेसर है, ऑक्टा कोर है, क्वाड कोर है, कुछ मेंशन नहीं है कंपनी की तरफ से। 13MP का कैमरा है रियर कैमरा, 5MP का सेल्फी कैमरा मतलब फ्रंट कैमरा, 5.4 इंचेस का डिस्प्ले, 4000mAh का बैटरी, और सबसे ज़्यादा बैटरी यही फ़ोन में आप लोगों को मिल रहा है। दोस्तों बोलते हैं ना आखिर वाला तो सब भला, तो इस लिस्ट में सबसे आखिर में जो फ़ोन है
मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है क्योंकि ये मार्केट में लेटेस्ट है। और ये फ़ोन है जियोनी मैक्स जो कि 2020 में रिलीज़ हुआ है। 5000 का प्राइस है, बिल्कुल 5000 प्राइस रखी गई है। 2GB रैम और 32GB स्टोरेज जो कि 5000 के अंदर मेरे लिस्ट में कोई भी फ़ोन ऐसा नहीं है जिसमें 32GB वाला स्टोरेज है। मैंने सिर्फ स्टोरेज देख के लिस्ट नहीं बनाया है, सभी चीज़ को देखते हुए बनाया है, इसलिए कोई भी एक भी नहीं है फ़ोन जो कि 32GB वाला स्टोरेज है। प्रोसेसर यूनिसॉक का है, उतना कुछ बढ़िया नहीं है। और इसमें 13MP का रियर कैमरा, 5MP का फ्रंट कैमरा, 6.1 इंचेस का बड़ा डिस्प्ले और 5000mAh का बैटरी, कोई भी एक भी फ़ोन नहीं है जिसमें 5000 का बैटरी है। एक ही फ़ोन था जो कि US था, 4000mAh का बैटरी था जो कि मार्केट में सभी जगह पर अवेलेबल नहीं है फिलहाल, क्योंकि ये थोड़ा पुराना फ़ोन है और अवेलेबल कभी होता है कभी नहीं होता है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। और इसमें एंड्रॉयड 10 देखने को मिलता है जो कि लेटेस्ट है, मतलब एंड्रॉयड 11 अभी लेटेस्ट है लेकिन इस प्राइस के हिसाब से यही लेटेस्ट है। तो दोस्तों अगर आपको लेना है मेरे रिकमेंडेशन से तो आप जियोनी मैक्स लीजिए या फिर कुछ और भी ले सकते हैं, लावा के भी कुछ ले सकते हैं, और सभी फ़ोन बढ़िया है, कुछ भी ले सकते हैं लेकिन ये फ़ोन ज़्यादा बढ़िया होगा। तो आप प्राइस के हिसाब से आप देखना कौन सा आपके लिए सूटेबल है, डिस्प्ले के हिसाब से, रैम स्टोरेज वेरिएंट के हिसाब से, कैमरे के हिसाब से कौन सा आपको चाहिए वो ले लेना है। और आप कौन सा लेने वाले हो वो कमेंट में भी बताना, इस वीडियो के बारे में आपका कोई भी सवाल या फिर सुझाव है तो वो भी कमेंट कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।